Dear students, I am your English teacher. So today we are going to read fourth lesson of first class. The lesson name is names of places. Yani ki koi bhi place hota hai to uska koi na koi name hota hai. So we in this lesson we read about the names of places. There are different places in our surroundings where we go for performing several duties. यानी कि हमारे आसपास काफ़ी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हम कुछ ना कुछ करने के लिए जाते हैं. लेट्स गेट फैमिलियर विद दीज प्लेसेस. चलो देखते हैं इसमें कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर हम जाते हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो स्कूल. वेयर वी गो फॉर स्टडी, यानी कि जहाँ पर हम स्टडी के लिए जाते हैं उस बिल्डिंग को स्कूल बोला जाता है. नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट चर्च. वेयर वी गो फॉर प्रेयर, यानी कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो यहाँ पे प्रेयर के लिए जाते हैं. जैसे हम टेंपल में जाते हैं वो जो क्रिश्चियन है वो चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज पोस्ट ऑफिस. वेयर वी गो फॉर गेट लेटर्स, जहाँ पे हम अपने लेटर्स पोस्ट करते हैं या फिर वहाँ से प्राप्त करते हैं, ये वो प्लेस है. नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ट्रेन्स आती हैं रुकती हैं और हमें अपनी जर्नी के लिए यहाँ से वहाँ जाना होता है तो हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है. आप में से कई बच्चों ने देखा भी होगा. नेक्स्ट पिक्चर अबाउट बैंक. बैंक इज अ प्लेस वेयर वी डिपॉजिट मनी, जहाँ पे पैसे का लेन देन किया जाता है, लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं अपने, वो होता है बैंक. नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट लाइब्रेरी. वेयर वी गो फॉर रीडिंग द बुक्स, जहाँ पर हम बुक्स रीड करने के लिए बैठते हैं. स्कूल में एक अलग से रूम बना होता है जहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स होती हैं. आपके स्कूल में भी होगा ये, तो इसको हम लाइब्रेरी कह सकते हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट अ गार्डन. वेयर वी गो फॉर प्ले, जहाँ पे हम खेलने के लिए जाते हैं. जैसे स्कूल में भी होते हैं, जैसे कहीं जो सिटी में लोग रहते हैं वहाँ पर भी गार्डन बच्चों के लिए बने होते हैं. नेक्स्ट पिक्चर अबाउट जू. वेयर वी कैन सी एनिमल्स, बर्ड्स विच आर मैनी टाइप्स. जैसे आप में से जब कभी भी आप टूर पे गए होगे तो वहाँ पे आपने कई जू देखे होगे, वहाँ पे हर प्रकार के एनिमल्स और बर्ड्स आपको मिलते हैं. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल. जब हम बीमार हो जाते हैं तो अपना इलाज करवाने के लिए कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में. वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्स, पेशेंट आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं. ये प्लेसेस आपने बहुत सारे बच्चों ने देखे भी होंगे. आगे कुछ और प्लेसेस के नेम दिए हैं जिनके बारे में आप जानते हो, जैसे बस स्टैंड. रेलवे स्टेशन वो होता है जहाँ पे ट्रेन आती हैं, लेकिन बस स्टैंड वो होता है जहाँ पे बस आती हैं. हर एक शहर में ये बना होता है. नेक्स्ट है स्टेडियम, जहाँ पे जो ये प्लेयर हैं वो खेलते हैं, मैच होते हैं उनके, वो उस प्लेस को स्टेडियम बोला जाता है. नेक्स्ट है टेम्पल. जैसे क्रिश्चियन लोग चर्च में अपनी प्रेयर करने के लिए जाते हैं, वैसे हिंदू लोग अपनी प्रेयर करने के लिए टेम्पल में जाते हैं. नेक्स्ट है बीच. जैसे जो समुद्र होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है जो लोग घूमने के लिए जाते हैं उसको बीच बोला जाता है. नेक्स्ट है हाउस, जहाँ पर हम रहते हैं अपनी फैमिली के साथ उसको हाउस बोला जाता है. नेक्स्ट है एयरपोर्ट. एयरपोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे जो एयरप्लेन है वो आते हैं जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं. नेक्स्ट है मार्केट, जहाँ से हम कुछ भी सामान ले सकते हैं उसको मार्केट बोला जाता है. नेक्स्ट है हिल. हिल होती हैं पहाड़ियाँ, जैसे आप कुल्लू मनाली की साइड, जम्मू कश्मीर या उस साइड जाते हो वहाँ पर आपको पहाड़ियाँ मिलती हैं, ऊँची ऊँची होती हैं, उनको पहाड़ी बोला जाता है. नाउ आवर लेसन इज कम्प्लीटेड, सो नाउ वी डिस्कस योर होमवर्क. एक्सरसाइज ए. ए में क्या करना है? राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी कि जो ये स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको उस प्लेस का नाम लिखना है. जैसे फर्स्ट पे अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय समथिंग, जहाँ से हम कुछ चीज़ों को ले खरीदने के लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्केट. नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, जहाँ पे सिक पीपल को यानी कि बीमार लोगों को ठीक किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो होते हैं हॉस्पिटल. नेक्स्ट है जैसे थर्ड अ प्लेस वेयर वी गो टू सी एनिमल्स एंड बर्ड, जहाँ पे हम एनिमल्स और बर्ड को देखते हैं उसको बोलते हैं जू. और बी में क्या करना है आपको? टिक द करेक्ट प्लेस, यानी कि इसमें से दो ऑप्शन दिए हैं, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट. आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है. जैसे फर्स्ट है सिक पीपल गो टू स्टेशन या हॉस्पिटल,
फॉर ट्रीटमेंट, जैसे आपने ऊपर देखा था हॉस्पिटल में जाते हैं लोग ट्रीटमेंट करने के लिए, ऐसे आपने नेक्स्ट टू वो कंप्लीट करने हैं। जैसे पीछे वाली जो पिक्चर दी गई है उनको रीड करने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ठीक होगा। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।